हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो सिंपली मैंने आज कुछ एनालिसिस किया है जिसमें मैं आज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज डेट है 24 दिसंबर, यानी कि आज एक्सपायरी है। तो अब मैं 13,700 पर स्टेडल शॉर्ट करने जा रहा हूँ, शॉर्ट स्टेडल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे मैं फटाफट पहले मैं एंजल में ऑर्डर लगाकर फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर रखा है 13,700 का कॉल, 13,700 का पुट, और इसे मैंने एक सस्ते जो जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 70-80 पैसा है, देखो यहाँ इसका 70 पैसा है, इसका 1 रुपये प्राइस है, तो इसको मैंने नॉर्मली हेजिंग के लिए रखा है जिससे मेरा मार्जिन कम लगे। हेजिंग तो आज मैं इतना दूर का पॉइंट पर नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गैप है और एक्सपायरी डेट पर इतना दूर गैप पर हेजिंग करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो सिंपली इसे मैंने मार्जिन कम करने के लिए रखा है। तो आप मेरा फ़ंड देख लो, अभी फ़ंड मेरा कितना है, फ़ंड मेरा 1,83,000 के आसपास है। और अभी ऑर्डर में देख लो, अभी मैंने ऑर्डर में एक भी ऑर्डर नहीं लगाए हैं, भी मेरे ऑर्डर में एक भी ऑर्डर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जाके इसको शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट स्टेडल शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं पहले देखो, पहले मार्जिन कम करना है किसी को भी तो पहले वो बाई ऑर्डर लगा दें। तो मैं इसको बाई ऑर्डर का लगा देता हूँ, मैं इस आज 7-7 लॉट बेचूँगा तो 7-7 लॉट में बाई भी कर लेता हूँ पहले। तो इस तरह से पहले बाई ऑर्डर इंटर डे में लगाएंगे इस, ठीक है। काफ़ी सारे लोग उसको डिलीवरी में लगा देते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, तो इंट्राडे में लगाएं। अभी देख सकते हैं क्योंकि ये देखो, ये जो 1 रुपये वाला 50 पैसे वाला बाई मैंने किया है वो जीरो होने के लिए ही किया है, क्योंकि वो तो जीरो ही होगा, उसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, ठीक है। तो अभी मैंने पुट बाई कर लिया, तो अब मैं कॉल भी बाई कर लेता हूँ जो सस्ते हैं एकदम, काफ़ी इस टाइप पर सस्ते। देखो इसका बाई क्या 1 रुपये चल रहा है, मैंने अब जो मैं कॉल बाई करने जा रहा हूँ उसका 80-70 पैसा चल रहा है। तो क्या मतलब है उस, बस वो केवल और केवल मेरा मार्जिन रिड्यूस करेगा, इसके लिए मैं इसे बाई कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं दोनों को, दोनों इंटरडे में पहले बाई कर लेता हूँ। अब मैं गाइस सेल करूँगा, तो मैं अब थोड़ा सा मुझे अब जल्दी लानी पड़ेगी बिकॉज सेलिंग वाली पोजीशन है, तो मैं फटाफट सेल कर देता हूँ तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो देख सकते हो आप, मैंने 2 लॉट बाई किया है, ठीक है। 2 लॉट मीन्स 7-7 लॉट में दो, एक कॉल और एक पुट बाई किया है। इसमें मार्जिन देख लो, बाइंग में भी, ऑप्शन बाइंग में भी काफ़ी ज़्यादा एंजल ब्रोकिंग मार्जिन देता है। देखो 402 रुपये में मैंने सब बाई कर लिया, तो कोई उतना इशू वाली बात नहीं है। अब मैं सेलिंग की पोजिशन एग्जीक्यूट करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने तुरंत ही ऑर्डर लगा दिया है, सारे ऑर्डर लगा दिए मैंने। नेट पोजिशन में देख लो अब मेरा क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसा कि देखो 13,700 का पुट, ठीक है, 7 लॉट माइनस, यानी कि 7 लॉट से, यानी कि 525 क्वांटिटी मैंने सेल किया है 30 रुपये के रेट से, ठीक है। और उसे मैंने हेजिंग की है, फालतू की हेजिंग है, मार्जिन कम करने के लिए हेजिंग, उसे बोलना गलत बात है बिकॉज इतना दूर हेजिंग एक्सपायरी डे पर कोई काम का नहीं है। मार्जिन रिड्यूस करने के लिए मैंने ये किया है, एक पुट भी बाई किया है जो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, 700 और कहाँ 250 है, प्रॉस कम से कम 450 पॉइंट दूर है, ठीक है। 450 पॉइंट दूर मैंने बाइंग की केवल मार्जिन कम करने में, क्योंकि प्राइस काफ़ी इसके सस्ते थे। और 13,700 का कॉल भी मैंने सेल किया है, तो ये बेसिकली शॉर्ट स्टेडर मैंने क्रिएट किया है एट द मनी पर, और जिसे मैंने 13,900 के कॉल से हेज किया है, हेज मतलब मार्जिन को रिड्यूस किया है। तो प्रॉफिट लॉस देख लो जो चल रहा है, 300-400 का कोई बात नहीं है, फंड दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फंड देख लो गाइज, मेरे मैंने आज 14 लॉट, पूरे मैंने 14 लॉट सेल किए हैं, 7 कॉल और 7 पुट, तो देख लो। और आज काफ़ी ज़्यादा गैप है, जो भी लोग स्टेडल वगैरह में काम करते हैं वो इस तरह से काम कर सकते हैं। तो 1,27,300, तो 382 डिवाइड में, देखो मैंने 7 लॉट कॉल भी सेल किया, 7 लॉट पुट भी सेल किया है, यानी कि मैंने टोटल 14 लॉट सेल किए हैं। तो 14 देख लो, अप्रॉक्स 9,000 में एक लॉट मैं एक्सपायरी डे पर सेल कर दे रहा हूँ। और गैप, आज गैप काफ़ी दूर है, गैप मैंने एक तरफ से 450 लिया है पुट के साइड से और कॉल के साइड से 200 पॉइंट लिया है।
अगर ये गैप आप कम करोगे तो ये प्लस 6 से 7 हज़ार रुपये में हो जाता है, तो कोई इतना इशू नहीं है। आप मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए भी 400 से 500 पॉइंट दूर बाई भी कर लेते हो। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं का भी बाई और कहीं का भी किसी भी स्टॉक पर इसका बाई और सेल कर सकते हो। तो अगर आप भी एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से अकाउंट ओपन करेंगे आप तो आपको फ्री में अकाउंट ओपन होगा। एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज आपको अप टू 1000 रुपीज़ नहीं लगेंगे। एंड मेरा एक ऑप्शन सेलिंग का कोर्स फ्री मिलेगा। एंड आपके एएमसी चार्जेस 1 ईयर तक के नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो अब व्यू दिखा देता हूँ मैं, क्या देख के मैंने ट्रेड ली थी, ये सारी तो बात हो चुकी है, तो अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। व्यू देख लो सिंपली, जहाँ मार्केट अभी चल रहा है 13,700 पर, ठीक है, वहाँ पर ही मैंने शॉर्ट स्ट्रगलर क्रिएट किया है। एंड आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इसकी प्राइस देखो 34 रुपीज़ हमें मिली है, और जैसे मुझे कितने मिली है 25 रुपीज़। तो अप्रोक्स मेरा ब्रेक इवन कितना हो जाएगा, 35 चल रहा है मान लो, और प्लस 25 60 पॉइंट का गाइस ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। मतलब जब मैंने 13,700 का पर शॉर्ट स्ट्रगलर बनाया है, तो इसका मतलब 13,760 पर अगर मार्केट एक्सपायर होगा तब पर भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। अगर 13,640 40 पर भी मार्केट एक्सपायर होगा तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज ये मेरा 60 पॉइंट का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 13,640 से लेकर 13,760 के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। एंड मैक्स पेन भी मैंने देखा था गाइस, तो मैक्स पेन देखो अप्रॉक्स 13,650 दिखा रहा है, बट फिर भी मैंने 13,700 पर शॉर्ट स्ट्रगलर बनाया, बिकॉज एट द मनी पर वहीं पर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थीटा डीके का बेनिफिट मुझे मिलेगा, इसकी वजह से मैंने किया है। एंड मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पूरी एक्सपायरी तक वेट नहीं करता हूँ, मैं बीच में भी निकल जाता हूँ। जब मुझे इनफ प्रॉफिट होने लगेगा तो मैं बीच में भी निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मार्केट को चलने देते हैं, फिर जैसा भी होता है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऊपर की साइड मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस जोन उसको फेस करने को मिलेगा, जो है 13,775 के आसपास, ठीक है। तो कोई और मेरा ब्रेक इवन कितना है, 13,760 ऊपर की तरफ से, एंड नीचे की तरफ से उसे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो है 13,620 पर, और मेरा ब्रेक इवन कितना है 13,640 पर। तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से मार्केट को कहीं इसी के बीच में कहीं पर भी एक्सपायर होना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने आज शॉर्ट स्ट्रेटर का काम किया है। बट जो लोग थोड़ा नए ट्रेडर हैं जो सिक्योर फील करना चाहते हैं वो इसे आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना 200 से 400 पॉइंट का एक्सपायरी डे पर गैप में काम करना कोई मतलब सेंस नहीं बनता। बिकॉज अगर आप जब हेजिंग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दूर पे करोगे तो कोई उतना मतलब नहीं होता है। एक्सपायरी डे पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गामा का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए बेटर यही होगा कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर लॉस के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक्सपायरी डे पर ट्रेड करना चाहिए। ये बात सही है कि एक्सपायरी पर सारे ओटीएम का प्राइस 0 हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 से 20 रुपये का प्रीमियम कमाने के चक्कर में 100 रुपये का लॉस लो। तो सिंपली रिस्क जितना टारगेट रख सकते हो आप लोग, क्योंकि तो देखो मार्केट में पैसा तो सभी को मिलता है, सभी लेकर जाते हैं, बट उसे बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसे बचा के चलना चाहिए। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इस चैनल पर आपको नए ट्रेडर्स के लिए मैंने स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मार्केट खास मोमेंटम कोई दे नहीं रहा है, जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ क्या एंट्री होगा क्या एग्जिट होगा। मुझे बीच में भी इनफ प्रॉफिट मिलेंगे तो मैं एग्जिट कर लूँगा, बिकॉज देखो मेरा मार्जिन कितना लगा है, मैं अपना कैपिटल के हिसाब से रिस्क और रिवार्ड रखता हूँ। तो मेरा 1,30,000 रुपये लगा है, तो सिंपली मुझे कुछ प्रॉफिट इनफ मिले तो मैं एग्जिट कर दूंगा स्ट्रेट से। तो अभी तो कुछ देर तो लगेगा ही कुछ थीटा का बेनिफिट लेने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अप्लाई किया और तुरंत प्रॉफिट कर लूँगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्रॉफिट में 1500 1600 के आसपास चल रहा है, और व्यू अभी भी वही सेम है, मार्केट स्टिल मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ही घूम रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने नीचे की तरफ बताया था 700 640, एकदम एग्जैक्ट वहीं पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करके फिर मार्केट अभी अप्रोक्स 13,700 के आसपास राशि चल रही है, जहाँ ट्रेडल को ठीक है। अभी मार्केट में काफ़ी टाइम तो थीटा डीके का टाइम होने का टाइम अब हो चुका है,
जैसा कि आप देख सकते हैं चेंज वर्सेस स्ट्राइक में सेम टू सेम 13,700 पर कॉल और पुट की बराबर राइटिंग हुई है, ठीक है। और एप्रोक्स पीसीआर भी 1:1 का ही है एंड तो मे भी मार्केट को कहीं इधर ही आसपास जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखो मार्केट में काफ़ी कम टाइम बचा है, 12:40 हो चुके हैं तो अब मार्केट के पास काफ़ी कम टाइम बचा है इससे। तो अब मेन गेम गाइस जो होता है वो मेन ट्यूडा डे का होता है, तो अभी तक तो ट्यूडा डे का मार्केट ज़्यादातर नहीं हुआ, अब गाइस स्टार्ट होगा बिकॉज मार्केट के पास काफ़ी कम टाइम है एंड मार्केट फिर से 13,700 के ऐसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो प्रॉफिट 2200-2300 के आसपास चलने लगा थी 12:40 थी। तो अब देखो मेन थीटा डिके का रोल चालू होता है बिकॉज अब से मार्केट में थीटा डिके हुआ नहीं है तो अब मेन रोल चालू होने वाला है। देखो मैंने शॉर्ट स्ट्रेटल शॉर्ट किया था 13,700 पर, तो मुझे मैक्स प्रॉफिट कहाँ होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं मैक्स प्रॉफिट 13,700 पर अगर मार्केट एक्सपायर होगी तभी होगी। देखो ब्रेक इवन 760 ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों जो मेरे हैं इवन की मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी और ऊपर की तरफ जहाँ ब्रेक इवन है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। नीचे की तरफ उसने ऑलरेडी एक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है, तो मे भी अगर मार्केट इसी एरिया में कभी तो अगर एक घंटे भी और घूमता रह गया चलने का ट्राई करूँगा। बिकॉज एक्सपायरी डे है, जैसे मुझे प्रॉफिट इनफ मिलने लगेंगे वेट नहीं करता। प्रॉफिट 2200-2300 के आसपास चल रहा है, ऐसा भी होगा मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा 4500 से चल रहा है, तो मेरे यूज कैपिटल का अप्रोक्स 4-5% तो मैं अपडेट करता हूँ एंड जैसा भी होगा मैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं 5500 के आसपास चल रहा है। मार्केट क्या है ना कि मार्केट मेरे एकदम जैसा ही मैंने किया था कि मार्केट उसी रेंज में होनी चाहिए, एकदम वैसे ही परफेक्ट मार्केट चल रही है एंड अभी मार्केट बज रहे हैं 1:00। मार्केट के पास अब काफ़ी कम टाइम है, वह बस बने रहते हैं एंड मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। जब एनालिसिस सही हो ना प्रॉफिट बहुत बढ़िया मिलता है। ट्रेड में जैसा भी होता है अपडेट करते हैं आप एंड जैसा जो भी मैंने सुबह देखकर एनालिसिस करके मैंने ऑर्डर लगाया था एकदम सेम वैसा ही सेम सिनेरियो। तो अगर आप देख लो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट वही रेंज जहाँ मैंने शॉर्ट स्ट्रेटल बनाया था एग्जिट ऑर्डर लगाया था शॉर्ट स्ट्रेटल का सुबह, वहीं पर अभी भी मार्केट उसी दौरान चल रहा है, ठीक है। देखो मार्केट एकदम सेम जैसा मैंने एनालिसिस किया था उसी के हिसाब से चल रहा है अभी भी, तो चलने देते हैं देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा अपडेट करेंगे आपको एंड अभी 5,000 से बाउंस 5300 का प्रॉफिट चल रहा है। तो फाइनली अभी 6,500-6,100 का प्रॉफिट चल रहा है एंड अभी देखिए मेरे पास जैसे मैंने एनालिसिस किया था उसी के हिसाब से भी मार्केट चल रहा है, तो ना मैं कोई एडजस्टमेंट करता हूँ ना मैं कोई अभी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बिकॉज देखो जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है मार्केट उसी के अंदर अभी भी घूम रहा है एंड मार्केट के पास काफ़ी कम टाइम है। जो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 1:58, तो जैसा भी होगा मैं अपडेट करूंगा बिकॉज देखिए मैं काफ़ी लॉजिकल ट्रेडर हूं क्योंकि मेरे पास एग्जिट का भी लॉजिक होता है और एंट्री का भी लॉजिक होता है एंड एडजस्टमेंट का भी लॉजिक होता है। मार्केट में मैं इमोशन के हिसाब से कभी काम नहीं करता, या तो मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे पास प्रॉपर जब लॉजिक मिल जाएंगे एग्जिट के या फिर एडजस्टमेंट के तो मैं उसको करता हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपका इमोशन से मार्केट नहीं चलने वाला, कि आपको लॉस हो रहा है तो मार्केट आपको लॉस ना दे, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट आपको प्रॉफिट ना दे, सब कुछ लॉजिक पे होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक है तब आप एक बेस्ट ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो अभी देखो जैसा कि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ही मार्केट कब से रेंज बाउंड होकर घूम रहा है, तो आज मे बी मार्केट यहीं कहीं एक्सपायर होना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से, या फिर अब मुझे काम भर का प्रॉफिट मिल रहा है जो ठीक है, जो मेरे पूरे कैपिटल का 6% के आसपास है। तो जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, एक मैं लॉजिक देख कर एग्जिट करूँगा इसे एंड मिलते हैं फिर। अभी जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि अब 6,600 का एप्रोक्स प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी मेरे ही रेंज के अंदर है, पूरा का पूरा मेरे रेंज के अंदर है मार्केट। तो इसलिए मैंने आज ये ट्रेड में ना कोई एडजस्टमेंट किया और ना मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट अभी मेरे अंदर है एंड अभी इसकी प्रीमियम काफ़ी बची हुई है
ठीक है, जैसे देखो मैंने जो 30 का शॉर्ट किया था वो 14 पर चल रहा है, एंड एक जो मैंने 30 का शॉर्ट किया था वो पूरा 31 रुपये का अभी अभी बचा है, तो भी काफ़ी है बचा हुआ प्रॉफिट, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं नॉर्मली इतना ट्रेड में वेट नहीं करता हूँ बिकॉज, लेकिन आज मार्केट पूरा एकदम साइडवेज मूवमेंट में लग रहा है, एंड ओपन इंटरेस्ट भी अभी मेरे हिसाब से ही चल रही है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं ओपन इंटरेस्ट दिखा दूँ, देख लो 13,700 पर भी पुट राइटर्स हैं एंड 13,750 पर केवल और केवल कॉल राइटर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट 13,700 से 13,750 के बीच में एक्सपायर होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली मेरे रेंज के अंदर होगा। जैसा कि आप देख लो वो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो 13,700 पर कॉल और पुट दोनों बराबर हैं एंड 13,750 पर केवल और केवल कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, तो और आज ही के डेट देख लो 13,700 पर केवल और केवल पुट राइटिंग हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के 13,700 से नीचे का एक्सपायर होने के चांसेस कम है, एंड ओवरऑल 13,750 के भी ऊपर एक्सपायर होने के मार्केट के चांसेस कम है, जो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ही होता है। तो इसलिए मैं आज इस ट्रेड में वेट कर रहा हूँ, एंड जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 7,200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखो गाइज, मैं ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है, तो मैं देखिए नॉर्मली कोई इंडिकेटर वगैरह को फॉलो नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा इंडिकेटर पर उतना ट्रस्ट नहीं रहता है, मैं मार्केट में डेटा को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मार्केट में डेटा के हिसाब से अभी मार्केट मेरे हिसाब से ही चल रही है, तो इसलिए भी ट्रेड में बना रहता हूँ, एंड आपको इन्फॉर्म करते हैं। एंड मैं इसे गाइस एग्जिट तो मोबाइल से ही करूँगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एंड मैं आपको बता दूंगा कि जैसा कि आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि मोबाइल से एग्जिट कैसे कर लेते हो एक साथ, तो पहले आप अपना अपडेट ऐप अपडेट कर लेना अगर नहीं होगा तो, एंड जहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसे इस तरह का शो कर रहा है ना मोबाइल ऐप में, उस पर सिंपली आप एक बार क्लिक करना है। ऐसे जब क्लिक कर दोगे उस पर तो एग्जिट ऑल का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप सारे पोजिशन को एक साथ में एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट जैसे दिख रहा है मोबाइल ऐप में उस पर एक बार आपको टच करना होगा, टैप करना होगा, उसके बाद वो एग्जिट ऑल का ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, एक बार अपना ऐप अपडेट कर लेना है आप, तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी भी मार्केट गाइस मेरे रेंज के अंदर ही है, लगता है आज मार्केट मुझे मैक्स प्रॉफिट देने के मूड में है। तो विकास देखिए क्या होता है ना कि इतना देर नॉर्मली ट्रेड में रुका नहीं जाता एक्सपायरी डे पे, क्योंकि देखो सीनेरियो उस तरह का नहीं मिल रहा जिससे मैं एग्जिट करूँ, बिकॉज काफ़ी सब कुछ साइडवेज मूवमेंट का ही शो कर रहा है, तो इसलिए मैं ट्रेड में बना हूँ। अदरवाइज जो भी नए ट्रेडर्स हैं मैं पहले उन्हें उनको बता देता हूँ, जो मैं 400 से 450 पॉइंट का मैंने गैप पर हेज किया था मार्जिन को कम करने के लिए, वैसा नए ट्रेडर्स बिल्कुल ना करें, वो काफ़ी पास का करें। ठीक है, बिकॉज देखो जब मार्केट आपके रेंज के हिसाब से चल रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये आप हमेशा सोच के चलना कि आप मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो नए ट्रेडर्स को हमेशा अपनी सेफ्टी का पहले नंबर वन पर ध्यान रखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो होते रहते हैं बट आपको अपना सिक्योर फील होना चाहिए, बिकॉज जब आप ज़्यादा दूर पॉइंट पर हेजिंग करोगे ना तो क्या होगा कि आपको जब आपके अगेंस्ट ट्रेड जाने लगेगी तब उसको मैनेज करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर एक्सपायरी डे की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सपायरी डे पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, गामा गामा का इफेक्ट काफ़ी रहता है। ठीक है, जिससे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन जो आपने हेज किया रहेगा ना उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा बिकॉज उसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना ट्रेड को ट्रेड में हमेशा गाइड में एक बता एक एक एकदम अंदर की बात देना, मैं एक फैक्ट बात बता देता हूँ आपको, ट्रेड में हमेशा गाइस कुछ आपको प्रॉफिट से अपना क्या दे लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि आप कितना खो सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड की जाती है, एंड मैं बता दे रहा हूँ गाइस काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ, उस समय फिर से मुझे अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, बिकॉज गाइस देखो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं आती, मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ उस समय, तो वो राहु केतु से लोग निफ्टी का ट्रेंड बता दे रहे हैं, निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करा रहे हैं, तो गाइस आप खुद से ट्रेड करो, अदरवाइज राहु केतु को एकदम भूल जाओ, कोई ऐसी चीज़ ही धरती पर नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से मार्केट का कोई कनेक्शन हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो, एंड हो सके तो गाइस ये जो टिप्स प्रोवाइडर फालतू के हैं जो आपको खुद से कॉल करते हैं या फिर खुद से बोलते हैं कि मेरी एक्यूरेसी 70% है, मेरी 80% है, ये है वो है, मैं इसे भी रजिस्टर्ड हूँ, इन लोगों की फर्जी टिप्स पर टिप्स को फॉलो करके ट्रेड मत लो। आप सिंपली ब्रेकआउट वगैरह बना करो, सब सिंपली सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर ट्रेड कर लो, बट ये टिप्स प्रोवाइडर के बातों पे बिल्कुल यकीन ना किया करो गाइस। ठीक है, क्योंकि आप मैं बता दे रहा हूँ मेरे पास जितने भी ट्रेडर्स हैं उनमें अगर किसी को बड़ा लॉस हुआ है तो ये इन्हीं लोगों को फॉलो करके, ये फालतू के जो टिप्स बांटते फिरते हैं, तो इसलिए गाइस खुद से एनालिसिस करने का ट्राई किया करो, धीरे धीरे गाइस मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, एंड पर स्टार्टिंग में काफ़ी कम लॉट से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड करें, एंड ये टिप्स प्रोवाइडर एंड निफ्टी राहु केतु वाले को एकदम भूल जाइए।
ठीक है। एंड अगर गाइस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो देखो अभी भी 7500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। अभी मार्केट में 2:13 हो चुके हैं, तो मार्केट के पास काफ़ी कम टाइम है। एंड देखो ये जो 30 रुपये का मैंने सेल किया था वो अप्रॉक्स 13 रुपये पर आ गया है। एंड ये जो मैंने कॉल सेल किया था 30 रुपये का, वो 30 का 30 ही रुपये पर है। ठीक है, तो अभी देखो अब 8,000 के आसपास प्रॉफिट चलने लगा। तो जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी करंटली प्रॉफिट 10,000 के ज़्यादा चलने लगा। ठीक है, तो मार्केट मेरे रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने आज ऑर्डर लगाए थे, शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट किया था, वहीं पर मार्केट घूम रहा है, घूम रहा है, घूमने देते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट तो अप्रोक्स आज देख लो 10,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। अभी अगर मार्केट जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर हो जाएगा, फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, नीचे एक्सपायर होगा। देखो मैंने दो लाइन बना रखी है ब्रेक इवन की, तो मैं अब एक विशेष टाइम देख कर इसे एग्जिट करने वाला हूँ। जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ, बिकॉज अब देखो मार्केट में टाइम भी काफ़ी कम बच गया है, मैं उसी हिसाब से इसे एग्जिट करूँगा। तो फाइनली मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मोबाइल से एग्जिट करता हूँ, तो मैंने मोबाइल से एग्जिट पहले ही कर दिया था। तो मैं अब उसको दिखा देता हूँ कितना मैंने प्रॉफिट और लॉस बुक। ठीक है, सिंपली मैं आपको ऑर्डर में चलता हूँ, नेट पोजीशन। तो फाइनली मैंने आज 11,471 का प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो आज की गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है।